तो नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सभी का अनिल आरसिम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक हम आज बात करेंगे, एक अनुभव आपका आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि देखें, हमने चीज़ लिखा हुआ सर, सपने या लक्ष्य कैसे बनता है, आप इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सफलता कैसे मिलती है, सोच कैसे बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट है, संगत सोच माहौल से क्या लाभ है। तो बात करेंगे, आप सबने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं एक अच्छे फैमिली से होते हुए भी 20-25 साल बाद गरीब बन जाते हैं या गरीब हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा एक गरीब परिवार से होते हुए 15-20 साल 25 साल में एक सफल इंसान बन जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों होता है, उस पर एक अनुभव अपना शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में। बात करेंगे सपने लक्ष्य कैसे बनता है। तो दोस्तों, सपने या लक्ष्य एक आम आदमी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पास वैसे लोग वैसे माहौल नहीं होते हैं। एक आम व्यक्ति जो 5,000-10,000 महीने कमा रहा है, वह कहीं ना कहीं जो सफल लोग हैं उनके संपर्क में नहीं आ पाता है, उनके सोच विचार को अपने अंदर नहीं ला पाता है। तो ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। खासकर आसिमनेस में ये सब बातें बताई सिखाई जाती हैं कि आप अपने सोच को कैसे बड़ा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को कैसे बड़ा कर सकते हैं। अब बड़ा कैसे होता है, जब कोई आम व्यक्ति आसिमनेस सिस्टम में आता है और इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करता है, तो वह देखता है कि एक आम व्यक्ति जो एक अनपढ़ आदमी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आज शारीरिक रूप से विकलांग है, वह इस काम में 10-15 साल हो गया तो अच्छा लाइफ जी रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उससे वहाँ पर उसकी सोच बन जाती है। दूसरा एक मतलब लक्ष्य वो भी बना लेता है, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति को करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप बड़े बन सकें। दूसरा है, सफलता कैसे मिलती है, सोच कैसे बड़ा होता है। जब आप सफल लोगों की संगत में आ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, और आप देखेंगे यार लोग क्या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, पहले वो कहाँ पे थे, आज कहाँ पहुँच गए हैं, तब आपकी भी सोच बड़ा होने लगता है। आप भी बड़ा सोचने लगते, नहीं मैं भी बड़ा होकर 5-10 साल बाद एक बढ़िया सी कार लूँगा, अच्छे घर बनाऊँगा, बच्चों अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, आपकी सोच बढ़िया बनने लगती है। और तीसरा पॉइंट है, संगत सोच माहौल से क्या लाभ होता है। जब आप दोस्तों एक अच्छे माहौल में जाएंगे, अच्छे लोग संपर्क बनाएंगे और वहाँ अच्छी बातें सुनेंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा कि इस तरह से बात करने से इस बात को हम वहाँ साबित कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, इस तरीके से इस बात से अपने पत्नी को खुश रख सकते हैं, इस पॉइंट से अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, इस पॉइंट से अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, इस पॉइंट से अपने जो भी संपर्क हैं लोगों से उनको मतलब संतुष्ट कर सकते हैं अपनी बातों से। वह सारा फार्मूला आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है, सिखाया जाता है। और जब ज़्यादा लोगों संपर्क करेंगे तो आपका मतलब सोच अच्छा हो ही जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक माहौल, एक सोच की ज़रूरत होती है। अब आपके सामने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, यह तीन व्यक्ति हैं। अब तीनों व्यक्ति के लाइफ में 15-20 साल बाद क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, उसका हम देखते हैं सर। जैसा कि देखें, पहले वाले व्यक्ति हैं, ये भी साहब जो भी हैं, अपना जो भी काम करते हैं, खेती बाड़ी है या ठेली लगाते हैं या छोटा मोटा कोई कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, और पहले वाला भी वही काम करता है, तीसरे वाला भी वही काम करता है, मतलब तीनों काम वही करते हैं, लेकिन सोच संगत अलग अलग क्या है। पहले वाले खाए पिए मस्त रहे और इनकी अच्छे लोगों से संपर्क नहीं है, तो दिन भर गुटखा खैनी या सिगरेट पी के अपना पैसा और टाइम बर्बाद करते हैं। गलत लोगों संगत बैठ गए, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या गेम में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों संपर्क बैठे तो अपना टाइम एक एक घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा बर्बाद, एक दिन ख़राब कर देते हैं, तो इनको टाइम की वैल्यू नहीं है। और शाम को घर पहुँचे तो जो कुछ कमाए धमाए, एक बोतल दारू ले आए, खाए पिए मस्त हो गए। अब सोचें 15-20 साल बाद क्या होगा, सिस्टम ख़राब हो चुका होगा, घरवाली बोलेगी हे प्रभु जल्दी निपटें, और घर बिक चुका होगा, बहुत सारी बीमारी घर में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, इनका फ़र्क पड़ता है एक
माहौल की वजह से आज ऐसा बन चुके हैं या ऐसा बन जाता 15-20 साल बाद व्यक्ति। दूसरा वाला है, सुबह जल्दी उठता है, योगा एक्सरसाइज करता है, अपने काम से मतलब रखता है। या जो कुछ लोग वैसे लोग हैं, मतलब जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनके संपर्क में रहता है और अपना बॉडी बनाता है, योग एक्सरसाइज करता है और अपने काम धंधे पर जाता है। अब 20-25 साल बाद भारत सरकार से इसको मेडल ना मिले मिले, लेकिन अपने परिवार में क्या रहेगा, ये स्वस्थ रहेगा। अब कहाँ से फ़र्क पड़ा, ये एक माहौल से, इसने माहौल जो बनाया एक हेल्थी लोगों से बनाया माहौल, तो व्यक्ति ऐसा बना। तीसरा वाला है, यह क्या करता है, जो कुछ काम करता है साथ में 1-2 घंटा अपना सफल लोगों की संगत में रहता है, अच्छे वो वीडियो ऑडियो सुनता है, अच्छे बुक्स पढ़ने की कोशिश करता है, तो 15-20 साल बाद इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जब आप सफल लोगों की संगत में रहेंगे, जो आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा रहा महीने का, तो आप उसके लाइफ को देखोगे, लग्जरी लाइफ जी रहा है और कैसे जी रहा है, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो भावना आएगी कि यार हमें भी ऐसा जीना चाहिए। तो ये होता है माहौल का सर। अब खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई आज 1 करोड़ में महीने कमा रहा है, तो भी आपको उंगली पकड़ के सिखाने तैयार है कि भैया आप इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते चलो, आप इस तरह नहीं, इस तरह बात करो, आपने लाइफ में सफल हो जाओगे। तो यह व्यक्ति भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से 15-20 साल में एक लग्जरी लाइफ जीता है और अपने इलाके का नंबर वन व्यक्ति होता है, अपने इलाके टैक्स पेयर बड़ा होता है, सबसे अच्छी गाड़ी इसके पास होती है, सबसे अच्छा मकान होता है। क्या हुआ सर, एक संगत सोच माहौल का फ़र्क पड़ा इसके लाइफ में। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि आज 21वीं सदी है, हर तरफ इस कोरोना महामारी में सभी के कारोबार बिजनेस चौपट हो चुका है, कब किसका नौकरी चला जाए, कौन सा बिजनेस ठप हो जाए, भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, भविष्य को देखते हुए हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपने फैमिली को एक सिक्योर इनकम दे सकते हैं और लाइफ में आने वाले 15-20 साल में एक लग्जरी लाइफ जिएंगे और बहुत सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और इस बात को अपने लाइफ में अनुभव करें और अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे लोग संगत में जाएं, अच्छे माहौल में जाएं, ताकि आप 100% सफलता आपको मिलेगी। बसते सफलता के लिए 15-20 साल टाइम लगता है, उसमें अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं। शुरू में अच्छी आदतें बड़ी कड़वी लगती हैं, बड़ी बेकार लगती हैं, लेकिन बाद में बड़ी सुखदायी होती हैं अच्छी आदतें। जैसे सुबह जल्दी उठना, योग एक्सरसाइज करना, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छे बुक्स पढ़ना, ये सब शुरू में बड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन 15-20 साल बाद इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। और जो लोग शुरू में लाइफ में इंजॉय करते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं, मतलब तमाम प्रकार नशे करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, तो वह 15-20 साल बाद जाकर मतलब पछताते हैं कि काश हमने भी टाइम वेस्ट ना किया होता, अपने समय यूज किया होता, तो आज हम भी आप सफल होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सफल लोगों संगत बनाएं, सफल लोगों की सोच के माध्यम से चलें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे बुक्स पढ़ें, आप भी सफल हो जाएंगे। आज अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय RCM।